हेलो एवरीवन आई एम एंड यू आर वाचिंग परचम आज के सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे बिकॉज आज की क्लास निमोनिक बेस्ड यानी मेमोरी टेक्निक बेस्ड होने वाली है बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी आई होप सो क्योंकि हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सतत विकास के जो लक्ष्य हैं यूनाइटेड नेशंस ने मीटिंग की 2015 के अंदर 2015 के अंदर और 17 यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिस्ट किया गया है आपको वो सारे 17 गोल्स एज एट उस में याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में कई बार कई जगह पूछे जाते हैं राइट right? उसके अलावा भी अंडरस्टैंडिंग के एंगल से भी देखिए जैसे हम बोलते हैं इंडिया ने एक टारगेट रखा हुआ है कि 2025 तक हमको टीबी मुक्त करना है भारत को यानी ट्यूबर से आ, बिल्कुल आज़ादी दिलानी है और हम ये भी बोलते हैं कि ये जो गोल लिया है इंडिया ने ये एस यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से फाइव ईयर पहले का ही टारगेट ले लिया है मतलब एच ने ट्वेंटी तक टी से लड़ने और निजात पाने का लक्ष्य लिया है तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों बनाए गए हैं कितने बनाए गए हैं कौन कौन से यही सारा आज डिस्कशन करेंगे और वो जो 17 एस की लिस्ट है ना उसको हमें सेम सीक्वेंस में याद करना है तो कम टाइम कम एफर्ट्स में हो जाए उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग से आपको टेक्निक सिखाने वाली हूँ आज ठीक है देखते चलेंगे अच्छा वैसे आज की जो पीपीटी पूरी रहने वाली है वो बहुत बड़ी पीपीटी नहीं है आप सीधे यहाँ से पढ़ सकते हैं लेकिन अदरवाइज भी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं के जो पी होते हैं जो पी होती हैं उनके पी डी कन्वर्ट किए जाते हैं प्रिंटेबल होते हैं वो आपको परचम क्लासेज डॉट इन पर अवेलेबल करवाए जाते हैं आज के सेशन के अलावा किसी के भी देखने हो तो आप देख सकते हो ये भी अवेलेबल होगा पर ज़रूरत नहीं है इसको लेने की आई बिलीव अच्छा जिन बच्चों के पास में पी बैंक होता है जो वो परचम ऐप से लेते हैं तो हम यूट्यूब पर जो भी कुछ पढ़ रहे होते हैं उन सभी के कोई ना कोई कंटेंट होता है मटीरियल होता है वो पी बैंक में ऐड हो जाता है या परचम ऐप से ले सकते हो एक साल की वैलिडिटी इसके अंदर होती है ये एक इंफॉर्मेशन और ले लीजिए और उसके बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर बढ़ते हैं बिकॉज दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट आप लोगों की बहुत सारे डाउट्स क्वेश्चन क्वेरीज होती हैं दो कैटेगरी के अंदर एक जो परचम की ऑफरिंग्स होती हैं कौन से कोर्सेज चल रहे हैं कौन से सब्सक्रिप्शन हैं हमने पीडीएफ लिया था नहीं मिला कहाँ से ढूंढे या फिर मैं ये एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो एक तो परचम रिलेटेड क्वेरी होती है एक होती है एग्जाम रिलेटेड क्वेरी मैम ये एग्जाम आ रहा है इसके लिए तैयारी कैसे करें कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए परचम से क्या क्या चीज़ें ले जो इसकी तैयारी में हेल्प कर दे या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ मैंने ये स्ट्रीम से पढ़ाई की अब मैं कौन कौन से एग्जाम दे सकता हूँ दे सकती हूँ तो ये जो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज होती है ये एक और area होता है तो हमने आपके लिए दो हेल्पलाइन शुरू किए हैं ताकि आपको better help provide की जा सके एक है एग्जाम गाइडेंस सेल जिसमें आपको परीक्षा का मार्गदर्शन मिल सकेगा जितना भी पॉसिबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही अभी शुरू किया गया है तो आपके ये एक नंबर दिया हुआ है इसमें आप व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हो और टू टू फोर टाइम जो होता है टू पी एम टू फोर पी एम उसके बीच में आप कॉल भी कर सकते हो नहीं तो ई मेल आईडी है परचम एग्जाम गाइड डॉट एट द रेट डॉट कॉम यहाँ पर आप अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हो बाकी सारी परचम रिलेटेड जो क्वेरीज है ना परचम से जुड़ी हुई जो भी है उनके लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या ऑफिस आवर्स में आप कर सकते हो टेन टू सिक्स दस बजे के बाद छः बजे से पहले और परचम क्लासेस जीरो सिक्स एट जी डॉट कॉम तो है ही ईमेल आईडी आई जहाँ आप लिखिए आप परचम ऐप में भी चैट कर सकते हो कॉमेंट के इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो पर अब ये एक नंबर और है आपके पास व्हाट्सएप या कॉलिंग फीचर के लिए ठीक है जी सो फील फ्री टू रीच आउट टू अस बस टाइमिंग का थोड़ा ध्यान दीजिएगा right. अब हम शुरू करेंगे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पर उसके पहले छोटा सा प्रिल्यूड है जिससे आपको सारे सब्सक्रिप्शन का एक ब्रीफ मिल जाएगा कुछ सेकंड्स का है जल्दी से देखिए लौट करके आ जाइए और आई सो वेलकम बैक चलिए क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब इनकी शुरुआत की गई तो देखते हैं 2012 में कहानी स्टार्ट होती है कहानी और भी पुरानी है लेकिन अगर हम एस की बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें इससे पहले मिलेनियल गोल्स हुआ करते थे उन सब पे नहीं जाएंगे 2012 यानी 2012 में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास जो होता है उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई कहा हुई रियो जेनेरियो ब्राजील साउथ अमेरिका के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे जितने भी मेम्बर नेशन थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि चलिए एक प्रोसेस से डेवलप करते हैं एस को इन्होंने उस समय डेलीबरेट किया डिस्कशंस किए कि हाँ भाई एसडीजीज होने चाहिए तो एक तरह से बैकग्राउंड जो है इस इसकी शुरुआत कहां से होती है तो वो रियो डिजनेरियो के कॉन्फ्रेंस से स्टार्टिंग होती है फिर ये डेट इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर ट्वेंटी जब 193 नाइन्टी मेंबर नेशंस यानी यूएन के जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो साथ में आते हैं और सेटअप करते हैं 17 गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत अगर विकास चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए मतलब कि आज की नीड्स भी पूरी होती रहे और फ्यूचर की जो जनरेशन हैं वो भी अपनी नीड्स फुलफिल कर सके ग्रोथ इस तरह से हो हर एरिया के अंदर और उसी से रिलेटेड 17 17 गोल्स रखे रखे गए कितने गए ठीक है और उनको ग्लोबल गोल्स भी कह दिया जाता है एस या ग्लोबल गोल्स अब किस दिन अडॉप्ट किए गए ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में एनफोर्समेंट में कब आए हैं फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी

टारगेट इ हैं उनको 2030 लिया गया कि 2030 तक हमें इन 17 गोल्स में से क्या क्या कितना कितना कैसे कैसे अचीव करना है कुछ के टारगेट आगे के भी हैं लेकिन मेजोरिटी 2030 को लिया गया है ठीक है और ये सारे मेंबर स्टेट्स जो हैं उनको ये गोल्स कितने कितने ट्वेंटी तक पूरे करने लिस्ट डाउन कर दिए तो समझ में आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे गोल्स जो आपको uh, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाएंगे जिसमें आप प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करते हुए चलोगे सत्रह गोल्स हैं 169 टारगेट से 2030 तक का एजेंडा है सारे यूएन मेंबर्स ने इसको मीटिंग के अंदर यूनानिमसली अग्री किया है अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये लीगली बाइंडिंग हो नो no. अगर कोई यूएन मेंबर नेशन बोले कि नहीं मुझे तो नहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना फॉर एग्जाम्पल तो क्या उसके ऊपर कोई पेनल्टीज लगेंगी कोई सेंक्शन लगेंगे नहीं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है ये एक यूनिवर्सल कॉल है कि भाई हम एक धरती पे रहते हैं हमें आगे तक अगर लाइफ को सस्टेन करना है अच्छे से हमारी पीढ़िया रहें तो उसके लिए हम सबको इसकी तरफ कदम बढ़ाने चाहिए ये यूनिवर्सल कॉल था कोई लीगल बाउंडिंग किसी भी नेशन के ऊपर नहीं है इसके बारे में ठीक like है लाइक वी डिस्कस्ड गोल्स ब्रॉड हैं इंटरकनेक्टेड हैं एक एरिया पे काम करोगे तो दूसरे एरिया को हेल्प मिलेगी जैसे कि अगर आप एजुकेशन पे काम करोगे तो जेंडर इक्वालिटी को हेल्प मिलेगी अगर आप पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करोगे तो हेल्थ केयर को हेल्प मिलेगी तो इंटरकनेक्टेड है सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन सारे इश्यूज को लेते हुए इन 17 गोल्स को बनाया गया है एंड ऑफ कोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ऐसा डेवलपमेंट जो कि आगे तक चल सके ऐसा नहीं है कि आज तो हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया और आगे, आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचा क्रैश डाउन हो गई सारी इकोनॉमी और डेवलपमेंट ऐसा नहीं ठीक है तो क्रक समझ में आ गया वॉट आर एस अब ये जो आपको दिख रहा है ना बहुत सुंदर कलरफुल सा एक पिक्चर ये हमें याद करना और इसी सीक्वेंस में याद करना है बहुत इजी है डेफिनेटली बहुत इजी है पर जनरल मेथोडोलॉजी से कई बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता है रटना पड़ता है बार बार रिपीट करना पड़ता है कोशिश करेंगे वो ना हो लेकिन उससे पहले एक बार पढ़ते हैं कौन से वो सेवनटीन एस डी है पहला नो no पॉवर्टी गरीबी नहीं होनी चाहिए राइट सेकेंड आता है जीरो हंगर भुखमरी नहीं होनी चाहिए कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए गुड हेल्थ एंड वेलबींग स्वास्थ्य अच्छा रहे सब खुशहाल रहे क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल सके क्वालिटी एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी पे काम करता है फिफ्थ गोल इसके ऊपर डिवोटेड uh, है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अभी इसका हिंदी में भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा अभी इंग्लिश में पोस्टर देख लीजिए टारगेट करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एट्थ एसडीजी आपको सेम याद करना पड़ेगा आपसे एग्जामिनर पूछेगा सेवेंथ एसडीजी कौन सा है तो आपको बताना पड़ेगा क्लीन एंड एफोर्डेबल एनर्जी या अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी नाइन्थ आता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेंथ आता है रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज इलेवेंथ आएगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज ट्वेल्थ आएगा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन थर्टींथ आएगा क्लाइमेट एक्शन फोर्टींथ आएगा लाइफ बिलो वॉटर फिफ्टींथ आएगा लाइफ ऑन लैंड सिक्सटींथ है पीस जस्टिस एंड strong इंस्टीट्यूशन एंड सेवनटींथ है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स ठीक है तो ये आपके सेवेंटी एस डी जीत थे एक बार पढ़ लिया बिकॉज याद करने से पहले एक ब्रीफिंग होनी जरूरी है और अब इनको थोड़ा थोड़ा समझते भी चलेंगे और याद भी करते चलेंगे शुरू करें कहानी मजेदार होने वाली है चलिए तो सबसे पहला गोल क्या बोलता है सबसे पहला गोल बोलता है नो पॉवर्टी फर्स्ट गोल इज नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति होनी चाहिए कोई गरीब नहीं होना चाहिए सो so, पहले तीन पढ़ लेते हैं फिर नंबर टू क्या है जीरो हंगर यानी भुखमरी की समाप्ति होनी चाहिए कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए हंगरी तो कोई भी नहीं होना चाहिए कोई भूखा नहीं होना चाहिए गोल थ्री गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर आप जिस तरह से रहते हो आपकी वेलबींग well होनी चाहिए अब देखो द होल थिंग इज कि भैया सबसे बड़ा रुपया तो यानी सबके पास पैसा पैसे को नंबर वन इंपॉर्टेंस दी गई है फर्स्ट गोल रखा गया पॉवर्टी नहीं हो यानी कि गरीबी नहीं हो यानी सबके पास पैसा होना चाहिए है ना सबसे बड़ा पैसा बोला जाता है तो यहां भी एसडीजी में भी आपको देखने को मिलता है कि नंबर वन फर्स्ट एसडीजी क्या है पैसे से रिलेटेड यानी गरीबी नहीं हो नो पॉवर्टी अब पैसा होगा तो ऑब्वियसली बातें इंसान पैसा आते अगर कोई बहुत भूखा है तो क्या करेगा खाना ही खाएगा ना पैसा आते ही आप भोजन यानी फूड का, तो का खा तो स्वास्थ्य खराब नहीं होगा ना अच्छा खाना अगर खा रहे हो अच्छे पैसे है तो अच्छा खाना खाओगे अच्छा खाना खाओगे तो कम बीमार पड़ोगे यानी हेल्थ बन जाएगी आपकी तो ये तीन तो एज इट इज याद हो गए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए आगे चले चलिए नंबर फोर गोल कौन सा है क्वालिटी एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए देन फिफ्थ गोल इज जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता मेल फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है या थर्ड जेंडर से डिस्क्रिमिनेशन होता है उन सबसे रिलेटेड ये गोल रखा गया तो आप देखिए वहीं से आगे चलते हैं पांच जो इनिशियल फाइव एच है ना हम एक स्टोरी से ही याद करेंगे लॉजिकल स्टोरी है पैसा सबसे पहला पैसा आ गया तो बोलते जाइएगा मेरे साथ पैसा आ गया तो हम खाना खाएंगे तो नो हंगअप खाना खाया तो हमारी हेल्थ अच्छी हुई तो हेल्थ एंड वेल अब तबियत अच्छी है हेल्थ अच्छी है तो पढ़ सकते हैं वर्णा पढ़ाई में कहाँ बन लगेगा भूखे भजन न होए गोपाल बोलते हैं ना भूखे पेट न भजन होंगे ना भगवान याद कर सकते हो ना पढ़ सकते हो तो खाना खाया अच्छी हेल्थ हो गई अब हम जा रहे हैं एजुकेशन लेने तो क्वालिटी एजुकेशन ठीक है जब हम एजुकेशन ले रहे हैं तभी तो हमें समझ में आया अच्छा इतने तरह के जेंडर होते हैं उनमें अच्छा इनक्वालिटी होती है तो हमें इनक्वालिटी नहीं रखनी है तो एजुकेशन से ही हमें यह समझ में आया कि जेंडर इक्वालिटी नाम की चीज भी होती है दुनिया में नहीं हो रही है तो हमें लानी है ठीक है ये फाइव क्लियर हो गए कोई प्रॉब्लम तक नो पॉवर्टी नो हंगर हेल्थ एंड वेलबींग क्वालिटी एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी ठीक है यहां तक क्लियर है अब हम आते हैं यहां गोल नंबर सिक्स गोल नंबर सिक्स बोलता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि साफ पानी और स्वच्छता तो अब हम इसको इंडिविजुअली याद करेंगे क्योंकि पांच तो सिंपल है आपसे पूछ ले फिफ्थ कौन सा है तो आप फटाफट आ जाओगे अच्छा पॉवर्टी उसके बाद में हंग उसके बाद में हेल्थ उसके बाद में एजुकेशन उसके बाद में जेंडर इक्वालिटी अब मैं सेवनटीन अगर स्टोरी की तरह याद कर तो आपको हर बार एबीसीडी से कहानी शुरू करनी पड़ेगी तो ये नहीं करेंगे अब हम इंडिविजुअल एसोसिएशन करेंगे सिक्स से क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन छी छी गंदा पानी पी रहे हो छी पॉटी जाने के बाद हाथ नहीं धोते हो छी इतनी गंदगी में रहते हो मम्मी बोलते ना छी रूम इतना गंदा कर रखा है सैनिटेशन नहीं है बिल्कुल तुम्हारे तो पास ओके छी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया एसोसिएशन तो आप कभी भी एग्जामिनर पूछ लेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स किसके बारे में बात करते हैं सिक्स यानी चे, चे, यानी छी यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन क्लियर ओके आगे बढ़ते हैं चलिए सेवन गोल नंबर सेवन अफपोर्टेबल एंड क्लीन एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की बात करते हैं विंड एनर्जी की बात करते हैं वही है ये एनर्जी ठीक है यानी कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा ओके तो अब लिखो जरा सेवन सेवन लिख दिया ओके अब क्या मैं इससे एक लैम्प बना सकती हूँ नाइट लैम्प होता है जैसे बना सकते हैं ना नाइट लैंप यानी एनर्जी एनर्जी से ही तो चलेगा तो आपने इसको सोलर एनर्जी किसी भी एनर्जी से चला रखा है एनर्जी याद नहीं भी रखनी है तो सिर्फ इतना देख लो सेवन है उसमें ये लाइट है लाइट मतलब एनर्जी एनर्जी से चल रहा है मतलब सोलर एनर्जी वगैरह याद मत रखो सिर्फ एनर्जी याद रख लो तो हमारा काम चल जाएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हमें सिर्फ की की जरूरत होती है कि जो सेवेंथ एच है वो एनर्जी के बारे में बात कर रहा है लाइट के बारे में बात कर रहे हैं महंगी और नॉन अफोर्डेबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो मूव करेंगे नहीं हम हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रहे हैं हम क्लीन एनर्जी यानी सोलर वाटर एयर की तरफ मूव कर रहे हैं वो यही पॉइंट है ठीक है तो कैसे याद रखिये सेवेंथ नंबर का है बस सेवन याद रखते ये सेवन बनाइएगा इससे लैंप याद आ जाएगा लैम्प मींस एनर्जी सो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी गुड चलो एट पे आते हैं गोल नंबर एट किसके बारे में बात कर रहा है गोल नंबर एट बोलता है डीसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि अच्छा काम और आर्थिक विकास डीसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो अब देखो एट पे आ जाओ जरा अच्छा काम करो आर्थिक विकास होता रहेगा एट हमने बनाया राइट एट से क्या कुछ बनाया जा सकते हैं क्या मैं स्पाइडर बना सकती हूँ बिल्कुल बना सकती हूँ ठीक है ये स्पाइडर क्या करती है एक वेब बनाती बहुत अच्छा काम करती है तब जाके इसका एक वेब बनता है ना यस तो हमने बोला अरे वाह ये इतना अच्छा काम करती है अपना वेब बनाती है इसी से इसका ग्रोथ होगा इसी में आके कीड़े फंसेंगे ये खाएगी और ग्रोथ करेगी अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं कर सकती ना स्पाइडर लेकिन हम अच्छा काम यानी डिसेंट वर्क एंड ग्रोथ को रिलेट तो कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी इकोनॉमिक हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे बिकॉज हमें कॉमन सेंस को साइड में रख के तो पढ़ाई करनी नहीं है ना हमें सिर्फ हिंट चाहिए तो जैसे ही हमने सुना एट हमने एट से बनाई स्पाइडर स्पाइडर क्या करे थी डिसेंट वर्क कर रही थी और उससे इकोनॉमिक उससे ग्रोथ हो रही थी तो हमने बोला डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी काम अच्छे से करना है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कराते रहनी है फाइन चलिए सेवन और एट याद हो गए नाइन पे चले जो जो बच्चे आईफोन यूज करते हैं ना आईफोन तो उसमें होता है ना आईफोन फोन थर्टीन आई फोन फोर्टीन आई फोन फिफ्टीन एक्सेट्रा तो अब आप आई नाइन याद रखिए आई नाइन क्यों आई नाइन बिकॉज नाइन्थ एस डी जी किसके बारे में बात करता है आई के बारे में बात करता है कौन कौन से आए हैं इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे आए हैं इसमें इंडस्ट्री इनोवेशनो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट और इनोवेशन के बिना कुछ हो सकता है क्या एक और तरीका सिखा देती हूं। अगर आई नाइन नहीं याद रहता तो नो 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 इनोवेशन के बिना नथिंग इज पॉसिबल आज के टाइम में सो नो विदाउट इनोवेशन नो इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट इनोवेशन नो इंडस्ट्री ठीक है और इनोवेशन में ऑलरेडी नो no आता है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर नाइन किससे डील करता है आप बोलोगे नाइन यानी नो 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 नो

पढ़ने एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन पढ़ेंगे तो ही तो पता पड़ेगा जेंडर इक्वालिटी के बारे में तो ये पांच ऐसे याद हो गए फिर हम सिक्स पे आए थे छी 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 गंदा पानी और सैनिटेशन तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वाला पॉइंट था सेवन से हमने बनाया लैम्प एनर्जी सो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एक एक टर्म याद नहीं रहे नो no प्रॉब्लम आप हिंड तक पहुंच जाओगे तो भी चलेगा और एट से हमने क्या बनाई थी हमारी स्पाइडर जो कि डिसेंट वर्क कर रही थी और सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी फिर नाइन पे हमने बोला नो 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 इनोवेशन के बिना नो इंडस्ट्री नो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आई नाइन आई से इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है जी आगे चलते हैं गोल नंबर दस बस बस रिट्योर्स इन इक्वालिटी दस के लिए हम हमेशा हिंट लेते हैं ना बस बस करो भाई बस करो बस कि इन इक्वालिटी अब यहां पे सिर्फ जेंडर की बात नहीं हो रही किसी भी तरह की इनक्वालिटी हो अब वो एबल और फिजिकली डिसेबल्ड के बीच की इनक्वालिटी हो मॉनिट्री uh, टर्म्स में इनक्वालिटी हो ज आपके स्टेटस टर्म्स में इनक्वालिटी हो किसी भी तरह से इनक्वालिटी हो उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है रिड्यूस्ड इनक्वालिटी यानी असमानता में कमी कैसे करेंगे एस डी जी दस बस किसी तरह की असमानता नहीं रिड्यूस इन सिंपल 11 किसके बारे में बात करता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज यानी कि टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास जो भी सिटीज और कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए अच्छा मैं यहीं पे बता दूं हम लास्ट में कुछ पी वाई के प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिले कैसे पूछे जाते हैं तो हमने इलेवन बनाया दस तो क्लियर है ना दस बस से हो जाएगा इलेवन हमने बनाया इलेवन से हमने एक रोड बना ली ये रोड कहाँ जा रही है सिटीज और कम्युनिटीज की तरफ तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज गोल बारह बारह बजा दिए खा खा के शरीर की आगे वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे क्या सब खुद खा जाओगे कई बार दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं, कई बार हम एक दूसरे को बोलते हैं खुद से भी बोलते हैं खा खा के बारह बजा रखे शरीर की इतने भूखे हो जैसे आगे की किसी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे सो गोल ट्वेल्व इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पन एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस रिस्पांसिबिली अभी कंज्यूमरिज्म कितना बढ़ा हुआ है ना जरूरत नहीं होती है आपको आप फिर भी चीजें बनाए जा रहे हो बॉटल्स प्लास्टिक की बॉटल्स छोटी छोटी बॉटल्स देख देख के तब जी दुखता है कि क्यों इतना प्लास्टिक वेस्ट है ना इतना प्रोडक्शन जो कि काम का भी नहीं है कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ रहा है रिसोर्सेज आप इतने यूज कर रहे हो आगे के लिए छोड़ोगे नहीं सो so, उसी से रिलेटेड है ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पन एंड प्रोडक्शन जिम्मेदारी के साथ उपभोग उपभोग और उत्पादन बारह बजा रखी है पूरी धरती की हर चीज काट के सारे रिसोर्सेज आपको यूज करने सो ट्वेल्व बारह बारह से ऐसे खा खा के खुद की बारह बजा रखिए प्रोड्यूस कर कर करके धरती की बारह बजा रखिए सो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन बस रिड्यूस इन इक्वालिटी ग्यारह रोड थी सिटीज और कम्युनिटीज की तरफ जा रही थी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज और फिर बारह बारह बजा रखिए सो कंट्रोल या फिर रिस्पॉन्सिबल नॉट कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन अब हम आते हैं थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन के ऊपर तेरा तेरा पे आता है क्लाइमेट एक्शन तो तेरा देख ना मैं यहाँ पे कुछ भी धुआं करूं मैं आग लगाऊं तो अपने क्लाइमेट पे ध्यान दे तो आप बोलते हो क्लाइमेट में तेरा मेरा कुछ नहीं होता है मैम आप यहाँ कुछ गड़बड़ करोगे तो सबका क्लाइमेट इफेक्ट होगा आप यहाँ ग्लोबल वार्मिंग करोगे तो मतलब आप यहाँ कुछ धुआं करोगे तो मेरे माँ का क्लाइमेट भी खराब होने वाला है ठीक है तो एक देश अपने क्लाइमेट पर ध्यान दे दूसरा अपने पर ध्यान दे और, और नहीं दे ऐसा नहीं होता है तेरा मेरा नहीं होता है क्लाइमेट में पूरे ग्लोब का एक क्लाइमेट है हम सबको मिल करके बचाना पड़ेगा मैडम ठीक है सो तेरा मेरा नहीं किसमें नहीं क्लाइमेट में तेरा मेरा नहीं हो सकता एक धरती है उसका एटमोसफेयर है उससे क्लाइमेट है, 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 है सबको संभालना पड़ेगा एक जगह गड़बड़ होगी दूसरी जगह असर दिखेगा एक जगह ग्लोबल वार्मिंग होगी दूसरी जगह आइस मेल्टिंग दिख जाएगी ठीक है तो तुम्हारे क्लाइमेट और मेरे क्लाइमेट से कुछ नहीं होता तेरा मेरा नहीं किसमें क्लाइमेट में तो क्लाइमेट एक्शन में भी तेरा मेरा नहीं क्लाइमेट के लिए एक्शन भी सबको लेने पड़ेंगे ओके okay? अब देखिए फोर्टीन फिफ्टीन गोल फोर्टीन इज लाइफ बिलो वाटर अच्छा इसको हिंदी में क्या बोलते है? हैं जलवायु परिवर्तन वो क्लाइमेट एक्शन के लिए परिवर्तन तो क्या उसके लिए कदम उठाना लाइफ बिलो वाटर पानी में जीवन जो भी लाइफ है बिलो वाटर उससे रिलेटेड है ये गोल तो फोर्टीन अगर आप याद रखना चाहो तो फोर्ट होता है ना किला जिसे हम बोलते हैं मेरे को फोर्ट बनाना नहीं आएगा <laughs> ट्राई इमेजिन कर लीजिएगा। ऑफ sort of so, फोर्ट, फोर्ट है जो होता है, है। वो पूरा आप उस फोर्ट में गए हो तो आपको बहुत सारी शॉर्स वेल्स फिशेज ऑक्टोपर्स ये सब दिख रही है तो फोर्ट में आप गए हो गये अब ये फोर्ट कहां से आया फोर्टीन, फोर्टीन फोर्टीन फोर्ट इन फोर्टीन आप फोर्ट के इन गए हो तो आपको पूरी जगह लाइफ अंडर वाटर एक्सपीरियंस करने को मिल रही है लाइफ अंडर वाटर ओके तो आप चाहो तो सीधे कर सकते हो कि मैम क्लाइमेट एक्शन के बाद लाइफ अंडर वाटर था नहीं तो क्लाइमेट एक्शन हमने बोला तेरा मेरा से नहीं चलेगा क्लाइमेट के लिए सबको एक्शन लेना पड़ेगा फोर्टीन में आप फोर्ट के अंदर गए और इमेजिन करो जल्दी से देखो वो होते हैं ना अक्वेरियम्स होते हैं बहुत बड़े आप अंदर चले जाते हो टनल फॉर्म में तो आप गए और बहुत पूरी लाइफ अंडर वाटर आपको देखने को मिल रही है फोर्टीन ठीक है लाइफ अंडर वाटर के अगला जो गोल है यानी फिफ्टीन गोल जो है वो है लाइफ ऑन लैंड वाटर के बाद लैंड सो लाइफ ऑन लैंड भूमि पर जीवन इसको टारगेटेड है एसडीजी और सीधे पूछ लिया जाए किसको टारगेटेड है सीधे तो याद नहीं आएगा बिकॉज हमने फोर्टीन से याद किया आप सीधे भी कर सकते हो फिफ्टीन से क्या याद आता है फिफ्टीन ऑगस्ट बहुत अच्छी मेमोरी है हमारी तो पंद्रह तो पंद्रह अगस्त को लाइफ अलग ही होती है ना लैंड पे इंडिया के अगर हम बात करें हर कोई इकट्ठा हो रखा होता है स्कूल में ऑफिस में मार्च पास्ट हो रही होती है देशभक्ति सॉन्ग होते हैं तो लाइफ ऑन लैंड इज वेरी डिफरेंट ऑन फिफ्टीन ऐसे करके भी कर सकते हो और अगर आप फोर्टीन से याद रख सको तो वेल एंड गुड सो टेन से लेके अभी तक का फटाफट रिविजन कर लेते हैं दस बस रिड्यूस इन इक्वालिटी ग्यारह हमने रोड बनाई थी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्यूनिटीज बारह बारह रखी है कंजम्पन एंड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए तेरह तेरह मेरा नहीं होता क्लाइमेट के चक्कर में फोर्टीन के अंदर गए लाइफ अंडर वाटर दिख रही है और फिफ्टीन लाइफ ऑन लैंड सो फार सो गुड ओके लास्ट दो बच्चे फिर पीवा देखेंगे और आप खुद चेक कीजिएगा आंसर कर पा रहे हो या नहीं मैं नहीं बताऊंगी आंसर ठीक है सिक्सटीन गोल है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आप कम से कम 16 साल के तो होने चाहिए स्वीट 16 में पहुंचो तभी आपको पीस और जस्टिस जैसी चीजें ढंग से समझ में आएंगे उससे पहले तो बच्चे होते हैं तो इमेजिन करिए याद कीजिए जब आप सिक्सटीन ईयर्स के थे स्वीट सिक्सटीन यूजअली आई थिंक हम लोग ट्वेल्थ क्लास में होते हैं उस टाइम पे आई एम नॉट मिस्टेक इन बहुत टाइम हो गया मुझे तो आप उस टाइम समझ पाते हो अच्छा पीस जस्टिस स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको ऐसे ही याद करेंगे हम है ना तो शांति और न्याय के लिए संस्थान पीस के लिए जस्टिस के लिए बहुत स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ऐसे ही अपने आप नहीं हो जाएंगी ये चीज़ें अचीव और लास्ट है गोल सेवनटीन सत्रह खतरा अगर इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप नहीं की तो सारे गोल्स पे खतरा है कोई गोल अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि सेवनटीन दस पार्टनरशिप फॉर द गोल्स सतरा से खतरा खतरा किससे अगर पार्टनरशिप नहीं की उससे तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स ठीक है जी कोई रिकैप करना है करवा देते हो आ जाओ एक हम पोस्टर पे आ जाते हैं सो so दैट आप सारी चीजें एक साथ रिलेट कर वेरी गुड सो वन सबसे बड़ा रुपया सो नो पॉवर्टी रुपया आएगा तो हंगर नहीं, हो Hunger नहीं तो होगी हंगर नहीं होगी तो हेल्थ ठीक होगी हेल्थ एंड हेल्थ एंड अच्छी होगी तो हम एजुकेशन लेने जा सकेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन एजुकेशन लेंगे तो पता चलेगा जेंडर इक्वालिटी के बारे में तो जेंडर इक्वालिटी फाइव हो गए छी 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 सो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सेवन हमने बनाया लैम्प एनर्जी सो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आप एथ वाले को सेवन से रिलेट करके भी याद रख सकते हो कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होगी तो हम डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ और डिसेंट वर्क कर सकेंगे या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर किसी ने क्लीन एनर्जी लगा दी और अफोर्डेबल एनर्जी तो आप बोल रहे हो डिसेंट वर्क वेरी गुड कितना बढ़िया काम किया है अब इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर होगी क्योंकि आपने अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी लगा दी तो आप साथ में भी याद कर सकते हो वरना हमने स्पाइडर से किया था डिसेंट वर्क करती है वो तो डिसेंट वर्क है इकोनॉमिक ग्रोथ नो 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 किसके बिना काम नहीं चलेगा इनोवेशन के बिना इनोवेशन इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दस बस प्रोड्यूस इन इक्वालिटी ग्यारह रोड सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बारह बारह बजा दिए सो रिस्पॉन्सिबल कंसम्पन एंड प्रोडक्शन तेरह मेरा नहीं चलेगा क्लाइमेट एक्शन फोर्थ इन लाइफ अंडर वाटर फिफ्टीन लाइफ ऑन लैंड सिक्सटीन स्विच सिक्सटीन के हो तभी तो समझोगे पीस एंड जस्टिस से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड सेवनटीन सत्रह खतरा क्या नहीं करने पे खतरा पार्टनरशिप नहीं करने पे खतरा ठीक है जी तो ये हो गए हमारे सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अच्छे से याद हो गए होंगे हो अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ विच इज पीवाईक्यू क्यू प्रैक्टिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है पर उससे पहले क्योंकि पीवाई क्यू की बात आई है आप में से जो बच्चे एस के अंडर में कोई भी एग्जाम दे रहे हो या देने वाले या उससे अगले साल 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये एक बहुत काम का होने वाला है दैट इज एस एस सी जेनरल अवेयरनेस से रिलेटेड पांच साल के पीवाई क्यू का कंपाइलेशन साल वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस स्ट्रेटेजी के उसके साथ साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे सेग्रीगेटेड सीजीएल जे ई सी पी ओ सी एच एस एल एम टी एस से रिलेटेड दस हजार से भी ज्यादा पीवाई क्यूज है ओके okay? तो ये क्वेश्चन गो थ्रू क्यों किए जाते हैं ताकि आपको समझ में एग्जामिनर क्या पूछने वाला है कुछ भी चीज ले प्लीज डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा ये आपको परचम ऐप आप पे अवेलेबल है कोई भी डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है जरा सा भी डाउट है तो पूछ लीजिए गलत चीज या डिससेटिस्फाइड हो तो मत खरीदिएगा सेटिस्फैक्शन मिले तो हैप्पीली परचेज कीजिए हम तो सेटिस्फाइड है अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क से आपका सेटिस्फाई होना जरूरी है चलिए पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है अब जो भी क्वेश्चन आप देखो कि एग्जाम्स में 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 आ में, में जा चुके चुके हैं हैं यूपीएससी पूछे जा सवाल रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सो बताओ नो पॉवर्टी इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस इन इक्वालिटी कौन सा था सबसे पहला गोल हाँ बाप बोले मैं ये तो बच्चों वाला सवाल है कोई चीज़ आती है तो बच्चे वाली हो जाती है नो पॉवर्टी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट अच्छा अपना स्कोर मुझे बता दीजिएगा मैं आपसे पांच क्वेश्चन करूंगी अभी ये जो भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं ना वो हम पढ़ चुके हैं इसीलिए मैं इसको टेस्ट फॉर्म में भी समझ रही हूँ आपका मैं आपसे फाइव क्वेश्चन कर रही हूँ अपना स्कोर बताइएगा आपने अभी याद किया सब कुछ आंसर कर पा रहे हो या नहीं बताना और लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगी जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको करना है ठीक है चलो विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच ऑफ द फॉलोइंग एस डीजी टेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दस बस कौन सी चीज को बस करना है रिड्यूज इन इक्वालिटी जीरो हंगर क्लाइमेट एक्शन डीसेंट वर्क एन इकोनॉमिक ग्रोथ बस रिड्यूज इन इक्वालिटी वेरी गुड चलिए इन कॉन्टेक्ट ऑफ यू एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन करेक्ट इनकरेक्ट ना एग्जामिनर ने भी कैप्स में लिखा है क्योंकि बच्चे बहुत बार गलती करते हैं तो ध्यान दीजिए इस तरह के सवाल पे आपको पेयर्स दिए गए हैं कौन सा पेयर इनकरेक्ट है आपको बताना है क्वालिटी एजुकेशन एसडीजी थ्री है क्या जीरो हंगर एस डीजी है क्या नो पॉवर्टी एस डी है क्या डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एसडीजी एट है क्या नीचे से शुरू करते हैं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एसडीजी एट एट से हमने स्पाइडर बनाई थी डिसेंट वर्क करी थी हाँ तो ये तो राइट right है मतलब इनकरेक्ट तो नहीं है तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ नो पॉवर्टी एसडीजी वन है बिल्कुल है तो ये भी आंसर नहीं हुआ जीरो हंगर एस डी है क्या पॉवर्टी नहीं होगी तो हंगर नहीं होगा बिल्कुल दिस इज दी राइट आंसर ठीक है क्वालिटी एजुकेशन एस डी नहीं है एस डी कौन सा होता है नो पॉवर्टी नो हंगर हेल्थ एंड वेल बींग और क्वालिटी एजुकेशन कौन सा है एस डी जी फोर फोर है चलिए अगले क्वेश्चन पे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स एम्स टू सिक्स सिक्स, इंश्योर हेल्दी लाइव एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल दैट एजेस अब देखो कैप्शन की तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं दिया गया उनको इलेबोरेट कर दिया इनमें से की वर्ड पकड़ने तो हेल्दी लाइव्स के बारे में बात की जा रही है वेलबींग के बारे में बात की जा रही है वेलबींग कौन से नंबर का गोल था ये तो थर्ड नंबर का था तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ एनश्योर अवेलेबिलिटी इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल वॉटर एंड सैनिटेशन छबल डेवलपमेंट गोल सिक्स है तो राइट आंसर हो गया आगे भी पढ़ लू समझ जाओगे थोड़ा एंड पॉवर्टी तो पॉवर्टी तो फर्स्ट नंबर का था टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज तेरा मेरा करने से नहीं जाएगा तो ये थर्टीन नंबर का था ये वन नंबर का था यह हमारा आंसर हो गया तो सेंटेंसेस देख के घबराना नहीं है की से आपको पकड़ में आ जाएंगी चीजें अब ये एक और क्वेश्चन कई एग्जाम के मेंस में पूछा जाता है वैसे ये यूपीएससी का क्वेश्चन है देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्समेंट स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट आपको दे रखिये आपको इन कॉम्बिनेशन में से सही पिक करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज फर्स्ट प्रपोज इन नाइनटीन बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम क्लब ऑफ रोम हमने कहीं पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत में नहीं हमने बात की ट्वेंटी ट्वेल्व के अंदर रियो रियोदी जेनेरियो वाला कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बात कही गई थी कि एसडीजी जैसी कोई चीज लानी है ट्वेंटी थे तो क्लब ऑफ रोम की तो कोई कोई बात नहीं हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव बाई ट्वेंटी थर्टी यस एजेंडा ट्वेंटी थर्टी था तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट राइट है सेकेंड ओनली तो वन ओनली नहीं टू ओनली इज द राइट आंसर आई होप आंसर कर पाना बहुत सिंपल होगा आपके लिए अब एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ पहले तो अपना स्कोर बताइए जल्दी से फाइव में से लिख करके आई थिंक फाइव क्वेश्चन थे मैंने काउंट नहीं किए फोर होंगे तो फोर में से लिख देना फाइव होंगे तो फाइव में से लिखना और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही रहे इसका आंसर कीजिएगा लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया एस इंडिया इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड नहीं है इंडिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर इंडिया का एक इंडेक्स होता है वो कौन बनाता है एस इंडिया इंडेक्स कौन फ्रेम करता है बनाता है प्लान करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वर्ल्ड बैंक मिनिस्ट्री ऑफ एनवाइयेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या नी आयो वट एवर राइट आंसर राइड इन दी सेक्शन। आई रियली होप यू वड है टुडे सेशन सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं uh, कब इनको अडॉप्ट किया गया था इनका एजेंडा कौन से ईयर से टारगेट करता हुआ है कौन से है वो सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आई होप पूरे सीवेंस में आपको अच्छे से याद हो गया होगा एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो यहाँ आप गलती नहीं करेंगे हाउ डेड यू फाइंड द क्लास राइट डाउन इन दी कॉमेंट सेक्शन कोई और टॉपिक रिक्वेस्ट है राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अपना स्कोर राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन जाते जाते आपने से बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हो मैम कुछ थॉट दे करके चले जाए करिए सो so ये एक स्टैंडी पे एक छोटा सा आर्ट uh, वर्क है बोल दीजिए जो मेरा पर्सनल फेवरेट है गुम गया हालांकि मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और उसी व्यक्ति ने घुमा दिया अभी तक वापस नहीं दिया मुझे स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे आई रियली लव दिस स्कोर हिंदी में एक कहावत भी होती है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए धीरे धीरे रे मना मन धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा यानी माली सौ घड़े पानी डाल दे सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए तो धीरे धीरे सब कुछ होता है आप अपने एफर्ट्स डालते रहिए जैसे कहा गया है कर्म कर फल की इच्छा मत कर लेकिन हम यहाँ यह नहीं बोल रहे हम बोल रहे फल आएगा इच्छा करनी भी कोई बुरी बात नहीं है लेकिन उसके चक्कर में आपके एफर्ट्स नहीं कम होने चाहिए एफर्ट्स डालते डालते नहीं होना चाहिए रिजल्ट अपने टाइम से आएगा आप जैसे कोई बच्चा है जिसने अभी बस तैयारी शुरू की है मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की और वो सबको देख करके बहुत ओवरवेलम होता है और ये उनको इतना कुछ आता है अच्छा मेरे दोस्तों को तो करंट अफेयर में बहुत कुछ पता है स्टैटिक के अंदर बहुत कुछ पता है हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है अब मैं कैसे करूं क्या करूं मैं चार दिन से पढ़ रहा हूँ एक महीने से पढ़ रहा हूँ अभी भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा रुको था रुको एफर्ट्स डालो स्टेप बाय स्टेप फोकस ऑन योर स्टेप्स आप इनपुट करते जाओ डे बाय डे इंप्रूवमेंट आ रहा है वो आपके सक्सेस आपको जो चाहिए उसके टूवर्ड्स बढ़ना है तो भी धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा सब कुछ एक दिन में तो नहीं कर सकते हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतना ओवरवेलम यानी इतना उन चीजों से भर जाओ कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है कि कुछ कर ही नहीं रहे हो स्टेप्स लेते जाओ छोटे 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 स्टेप्स एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट बन के सामने आएंगे ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज टेकिंग द स्टेप एंड फोकसिंग ऑन वन डे एट अ टाइम सींचते जाओ घड़े से फल आएगा डेफिनेटली आएगा नियम है प्रकृति का इनपुट कभी भी वेस्ट नहीं जाता राइट इनपुट ऑलवेज ईल्स द रिजल्ट एट द राइट टाइम ठीक है ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव डू टेक केयर ऑफ योर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर बाय बाय